स्टूडेंट, आज मैं टेक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करा रहा हूँ। यह 1 + sec a / sec a इज इक्वल टू sin² a / 1 - cos a। तो स्टूडेंट, इसमें कोई भी साइड लेके चल सकते हैं और दूसरी साइड के इक्वल आ जाएगा, टेकिंग LHS। LHS में लिखा है आपका 1 + sec a अपॉन sec a। अब देखिए, 1 + sec, sec के इनवर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 / cos a होता है, और sec a फिर यहां लिखेंगे 1 / cos a। अब यहां 1 लिख करके ये फ्रैक्शन बन गया ऊपर वाला, इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका 1 और cos a का एलसीएम आएगा cos a। अब इस 1 का डिवाइड cos a में करेंगे तो cos a रहेगा, cos a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 cos a या cos a, प्लस cos a का डिवाइड cos a में 1 बार और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे लिखा है 1 / cos a, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहां ऊपर आपका बचा cos a प्लस 1, cos a प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 + cos a, 1 + cos a, ये आपका इतना सिंपलीफाई हो गया। जब प्रूव करके लाना है sin² a / 1 - cos a, नीचे 1 - cos a आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि 1 - cos a नीचे लिखेंगे और इनटू लगा करके 1 - cos a ऊपर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई बाई 1 - cos a, 1 - cos a, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 - cos a का मल्टीप्लाई करने पर, 1 - cos a का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 - cos a का नीचे, यानी सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने से कोई अंतर नहीं आता, नो डिफरेंस। अब 1 + cos a 1 - cos a, a + b a - b का फॉर्मूला बन गया, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का 1 में करेंगे तो आपका 1 आएगा, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, कॉस का कॉस में करेंगे तो cos² a / 1 - cos a। अब देखिए 1 - cos² a, ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला है जो मैंने इससे आगे वाले वीडियो में आपको बताया था, 1 - cos² a इज इक्वल टू होता है sin² a / 1 - cos a, ये आपकी साइड हो गई RHS, यही प्रूव करके लाना था, sin² / 1 - cos a। इसके बाद स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर में आपको अब करा रहा हूं 6 क्वेश्चन, जो कि अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट 1 + sin a / 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। आप अंडर रूट वाले न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, जैसे अंडर रूट को सिंप्लीफाई करने में स्टूडेंट मोस्टली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, तो मैं यहां आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो पहले टेकिंग, पहले आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायर On the both side. तो अंडर रूट 1 + sin a अंडर रूट 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू sec
के प्लस टेन ए इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो इधर आपका आया वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए अब कौन सी साइड लेके चलेंगे आप यहां से, तो आप आरएचएस वाली साइड को लेके चलें तो सिंपलेस्ट पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि सेक और टेन लिखा है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है ट्रिग्नोमेट्री में अपना इक्वेशन साइन और कॉस में चेंज होना बहुत आवश्यक है। साइन और कॉस में जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है तो न्यूमेरिकल वहां से जल्दी प्रूव हो जाता है, इसलिए टेकिंग आर एच एस आर एच एस में आपका लिखा है सेक ए प्लस टेन ए। आर एच एस में लिखा है सेक ए प्लस टेन ए, अब सेक होता है आपका वन पॉइंट कॉस ए और प्लस टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेकिंग एलसीएम एलसीएम कॉस ए, अब यहां भी कॉस ए लिखा है यहां भी कॉस ए लिखा है, यानी डिनोमिनेटर में दोनों तरफ कॉस ए लिखा है, तो इसका डिवाइड एलसीएम में करेंगे तो वन बार होगा और वन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी वन प्लस साइन ए ऊपर आपका आ जाएगा। अब प्रूव करने पर आपको लाना है वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, यहाँ होल स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर भी लगाते जाइए। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसको दो बार देखा जाएगा, टू टाइम्स वन प्लस साइन ए ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए, और कॉस ए को दो बार लिखेंगे तो कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए कॉस ए स्क्वायर ए होता है वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट नीचे आपका वन के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, कोई अंतर नहीं आता, को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन वन प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में भी वन प्लस साइन ए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए आएगा और दूसरे वाले में वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो गया तो आपका शेष बचा वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, दैट इज आंसर यानी एल एच एस, यही प्रूव करके लाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे स्टूडेंट लिखा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करके लाना है आपको टेन थीटा। तो इसमें टेकिंग एल एच एस लेके चलेंगे, एल एच एस में आपका लिखा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा अपॉन टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट देखिए ऊपर से साइन थीटा या साइन क्यू थीटा है तो साइन थीटा कॉमन है यानी छोटा नंबर कॉमन लिया जाता है, छोटा टिक्नोमेट्री है रेशो है साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन लिया ऊपर से, तो यहां वन
मल्टीप्लाई वन लगा सकते हैं, तो साइन कॉमन लेने से यहाँ से वन बचा और माइनस यहाँ टू बचा और साइन क्यूब है, एक साइन बाहर आ चुका है तो टू साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन है तो यहाँ से टू बचा और कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करके वन लिख सकते हैं तो यहाँ से वन बचा। अब स्टूडेंट ये साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन, साइन अपॉन कॉस ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, टेन के, जो पहले मैंने लिखा दिए हैं आपको, इज इक्वल टू में यहाँ लिख दो टेन थीटा। अब इसके बाद आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये बचा। अब ये डेफिनेट है कि ये पूरा कैंसिल होगा क्योंकि टेन थीटा प्रूव करके लाना है तो वो आ चुका है, लेकिन ये कैंसिल कैसे होगा आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए टेन थीटा, टेन थीटा यहां लिखेंगे, टेन थीटा ब्रैकेट में यहां वन माइनस टू साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर। और अपॉन में लिखा है आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए टेन थीटा ब्रैकेट में वन, माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू और माइनस का माइनस में प्लस, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन थीटा वन माइनस टू, वन में से माइनस टू माइनस करेंगे तो माइनस का वन आएगा और प्लस ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे आपका लिखा है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए ऊपर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और नीचे भी ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये पूरा कैंसिल, इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज आर एच एस, यही प्रूव करके लाना था। तो इस वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ लीजिए। जय जिनेंद्र, जय हिंद।